दादाजान कितने दिन हो गए ना ही आप हमें कभी एयरफोर्स स्पेस लेके गए और ना ही वाघा बॉर्डर। हाँ मेरा बच्चा प्लीज ना हमें भी ले जाओ वाघा बॉर्डर। चिंटू तुम भी जाओगे? तो और क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जाऊंगा? मैं तो सबसे आगे हूँगा। कर्नल रिटायर्ड जमशेद बात कर रहा हूँ, ये खूब पहचाना, खिदमत तो है आपके लिए। लो बेटा ये है बाबे आजादी। वाव। खैर ये तो है, कोई बात ही नहीं कर रहा बाबा। कुछ दिन तो रुक जाते बेटा, रुक तो जाता, जमीनों की देखभाल कौन करेगा? बाबा आपको तो अभी एक हफ्ता ही हुआ है। पर बाबा अभी तो हम ठीक से आपकी कोई खिदमत भी नहीं कर सके। भई आप सब लोग तो ऐसे उदास हो जैसे दोबारा मेरा आना ही नहीं होगा। बाबा कैसी बातें करें आप। मेरा बच्चा आता जाता रहूंगा इंशाल्लाह। ऐसे उदास हो रहे हैं सब लोग यार, क्या हो गया? तो किधर है बच्चे मेरे, किधर है सारे रौनक घर की, किधर है? अभी तो 12 बजे लेकिन तुम सबके मुंह पे क्यों मच गए? वली कुछ दिन और रुक जाओ ना, दादा जान भी कल जा रहे हैं और तुम भी, यार हम बहुत उदास हो जाएंगे। आपके होते हुए हम ज्यादा बाहर घूमने फिरने जाते थे, तो मजा आता था ना। तुम्हें घूमने की पड़ी रहती है बस। अब तो मेरा एक स्टूडेंट भी मिस हो जाएगा। वली भाई आप प्लीज मत जाना। मामा पापा मुझे बहुत याद कर रहे हैं, मैं भी उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। चलो आ जाओ। ले मिस पवित्री चाय पिए। थैंक यू सो मच बुआ। सेलिब्रिटी आप भी। थैंक यू बुआ। क्या है भाई, ऐसी कौन सी खफिये बात है? दादाजान आहिस्ता बोले, कहीं वली और दादाजान सुन ना ले। भाई पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो, क्या बात है? हमने दादाजान और वली को सरप्राइज पार्टी देनी है। तो बेटा इस सिलसिले में तो आपको बुआ से बात करनी पड़ेगी, बुआ ही आपकी हेल्प कर सकती हैं। बेटा आप लोग अपनी अम्मी को मत तंग करें, मेरे पास आ जाएं, हम पार्टी की तैयारी करते हैं। और अभी तो हमें उनके लिए गिफ्ट भी लेने हैं। जी लो जी, इनकी फरमाइशें शुरू हो। वैसे आप लोग गिफ्ट किसके साथ जाके लोगे? अंजुम बाबा के साथ। भाई ये बच्चे तो बहुत तेज हैं, हर बात का जवाब तैयार रखते हैं। चलो भाई चले जाना, बट ये ख्याल रखना कि फ्लाइट है रात की, देर ना हो जाए। चलो आ जाओ आप लोग, हम तैयारी की ना। हम चिंटू को भी बुला ले। मेरा बच्चा बुला लो, लेकिन आपको पता है ना वो शरारते करते हैं। आप देख लो, चलो देख लेते हैं। नहीं हम तो बस ऐसे ही, वो अंजुम पापा ने हमें फुगन फुगाई सिखाई थी ना, बस उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे ना। सनी बिल्कुल ठीक कह रहा है। उफ, आप लोग सब मुझे मना करते हो और खुद झूठ। क्या हुआ मुझे भी बताओ। कुछ नहीं वाली। तुम्हें मना करते हैं कि शिकायतें मत लगाया कर। कुछ नहीं वाली। क्या बात, क्या हुआ मेरे बच्चे को? नाना जान मुझे लगता है सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जब भी मैं उनके पास जाता हूँ वो कुछ बात कर रहे होते हैं और मैं पूछता तो मुझे कुछ भी नहीं बताते और भी टॉपिक चेंज कर देते हैं। मम्मी
मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा क्यों करेगा? आज हम दोनों जा रहे हैं ना, शायद इसलिए वो उदास हो। हाँ भाई, आप लोग किधर जा रहे हो? वो दादा जान, हम मार्केट तक जा रहे थे, कुछ चीजें खरीदनी थी। ओ, मैं भी चलूं? नहीं, तुम रहने दो, हम बस अभी आए। जी दादा जान, वली तो हमारे साथ बोर हो जाएगा ना, और वैसे भी हमने कल की स्कूल की तैयारी करनी है। और उन्हें पता भी चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? यही कि आयमा छुप छुप के फीडर पीती है, इसने नया फीडर लेना होगा। वो दादा जान, अंजुम बाबा हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हम अभी आते हैं। जी। इन्हें क्या हुआ? देखा नाना जान, मेरा बच्चा नाना है ना तुम्हारा, हम दोनों आज शाम को बाहर जाएंगे और इनमें से किसी को भी साथ नहीं लेके जाएंगे, ठीक? जान है मेरा बच्चा है, मेरा बिट्ठा पारा बच्चा है मेरा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ये करते हैं। अच्छा बच्चों, ये तमाम चीजें आ गई हैं, ऐसे करते हैं हम लोग किचन में चलते हैं और पार्टी की तैयारी करते हैं, आप लोग कमरे में जाओ और इसको सेट करो। यस, एंड मेक श्योर कि वली या बाबा ऊपर ना आने पाए, बल्कि ऐसा करो आप में से कोई उनके पास चला जाए, अगर उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया तो उनको शक हो जाएगा। जी चची जान, ठीक कह रही है, मैं नीचे जाती हूँ। फिर हम भी चलते हैं। लो जी वली, आज सिर्फ हम वॉक करेंगे, ठीक है ना? नो जॉगिंग टुडे। दादा आप कहाँ जा रहे हैं? भाई हम दोनों पार्क में वॉक करने जा रहे थे, सोचा कि ऊपर से बाकी बच्चों को भी ले लें। नहीं नहीं दादा, वो सब मसरूफ हैं। दादा वो शेरी अपनी असाइनमेंट कर रहा है, सनी और आयमा अपनी कॉपीज पे कवर चढ़ा रहे हैं और टेबल्स भी याद करने हैं, और दानी ने अपनी कलरिंग बुक कंप्लीट करनी है, और चिंटू उसकी हेल्प कर रहा है, तो बताएं बच्चे कैसे जा सकते हैं? तकरीर हो गई खत्म तुम्हारी? चलो जी दादा। चलो बेटा, ठीक हो गया? जी दादा। हाँ तो वली बेटा, आज पार्क में वॉक का मजा आया ना? भाई मैंने तो आज तुमसे वो जॉगिंग भी नहीं करवाई, सिर्फ ये सोच के कि मेरे बेटे ने आज सफर पे भी जाना, कहीं थक ना जाए। हाँ मेरी जान। अबू आ गए, अबू आ गए। ओ लो जी, मेरे बच्चे का मामू भी आ गया, अबू भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा, क्या हाल है, कैसे हैं? ये लीजिए, गाड़ी पार्क करवाइए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे बेटा? बाबा आप कहाँ से आ रहे हैं? बेटा मैं अनाया और वली पार्क में वॉक करने गए थे, वहाँ से आ रहे हैं। और बाकी बच्चे? मामू वो सब ऊपर होंगे, बिजी हैं शायद। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं बाबा? बेटा ऐसी कोई बात नहीं, हम दोनों ने आज वापस जाना है शायद इसलिए। बाबा उदास तो हम भी हो जाएंगे, और आप दोनों के जाने के बाद तो और ज्यादा हो जाएंगे। मेरे बच्चों आप तो माशाल्लाह समझदार हो, जवान हो। ठीक है बाबा, अंदर चल के बात करते हैं। रजवान आओ, आओ, आओ बेटा, आओ, आओ मेरे बच्चे। अंजुम बाबा। जी रजवान बेटा। आप जरा 10 मिनट तक अंदर आइएगा, आपसे काम है। ठीक है क्या बात है, बताओ तो सही। आए ना दादा, बाबा आपके लिए और वली के लिए थी ये फेयरवेल पार्टी, आज हमने अचानक ही प्लान करी। आपको और वली को हम बहुत मिस करेंगे, आपकी और वली की कंपनी हम सब ने बहुत एंजॉय की, स्पेशली बच्चों ने। माशाल्लाह, मेरी जान, मैं यहाँ आता दिन के लिए, बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए।
इन बड़े बच्चों के लिए। हम भी आपकी जान। हाँ बिल्कुल, और ये बच्चे तो मेरे घर की रौनक है। मैं वहाँ अकेला होता हूँ तो यहाँ आने का अक्सर तुम समझ सकती हो। जी, और बाबा आपके लिए और बली के लिए बच्चों ने कार्ड्स बनाए हैं, ये आपको देना चाहते हैं। बस अभी नहीं, एंड पे पढ़ेंगे आप। भाई अब मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, अब जल्दी से शुरू किया जाए। माशाल्लाह। अरे दानी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वली भाई के साथ चैनिंदा जाने। क्या क्या कह रहे हो? वली भाई के साथ कैनेडा जाने। ओ मेरे यार, कैनेडा जाने, ओ मेरा पुत्र। जी उमर भाई जी, हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। जी वो बाबा खुद ड्राइव कर रहे हैं ना, तो वो चाहते हैं कि वक्त पे निकल जाएं और रात होने से पहले पहुंच जाएं। जी जी, विल बी इन टच। खुदा हाफिज। भी आप सुबह वाली जब मिस करेंगे। भाई अमी, हम लोगों को एयरपोर्ट पर फ्लाइट के टेक ऑफ टाइम से 2 घंटे पहले पहुंचना है, ठीक है ना? और ट्रैफिक कितनी होती है ये तो आप लोग जानते ही हो, इसलिए फौरन निकला जाए। आप लोग चलेंगे तो फिर मैं भी निकलूंगा। रिजवान, उसका पासपोर्ट और टिकट है ना? जी भाई जान, मैंने रख लिया बैग। रख लिया आपने? चलो अच्छा। बोली बेटा, आपने अपना बैग सामान चेक कर लिया? आपने सब कुछ रख लिया ना? कुछ मिसिंग तो नहीं? मम्मी जान, दास नहीं हूँ ना मेरे बच्चे ने। तेरा क्या बात? दादा जान, तो चलो भाई निकले फिर। तो अंजुम बाबा को आप आवाज दें, आप ही सुनेंगे। अंजुम बाबा जी, साहब जी, जी। हो गई तैयारी? ये गाड़ी में रखो। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ, आ जाओ। चलो किधर गया मेरा पुत्र, किधर गया? पीछे पीछे रह गए। आ रहे, आ गए, आ गए। राम से अरे दानी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वली भाई के साथ कनाडा जाने। क्या क्या कह रहे हो? वली भाई के साथ कनाडा जाने। ओ मेरे यार, कनाडा जाने, ओ मेरा पुत्र। वली भाई फिर आ जाएंगे, ठीक है? आ जा मेरा बच्चा, तू मेरे मसल बनवाएगा। आ मेरा बच्चा। कोई उदास नहीं होगा, कोई रोएगा नहीं, ठीक है? ये इंशाल्लाह दोबारा आएगा, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। शाबाश। ओके बेटा। ओके बाबा। ओके जी। ये ले साहब जी, आपकी गाड़ी की चाबी, अल्लाह खैर से ले। थैंक यू अंजुम बाबा, आपने ध्यान रखना बच्चों का। हाँ जरूर, मेरे अपने बच्चे हैं जी। अल्लाह हाफिज। ओके बेटा जी, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, आप भी बेटा ख्याल रखिएगा अपना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलो चले, अब मेरे लिए दुआ करना, ठीक? बी केयरफुल। ओके बेटा, कॉल कीजिएगा।
कल हमारी ग्रैंड पेरेंट्स मीटिंग है और दादा जान कल ही गए हैं। ओ ये बात है। आइडिया। आपके टीचर्स हमसे सवाल करेंगी और हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो क्या कहोगे कि अंजुम बाबा और बुआ गूंगे हैं? बेटा मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं हमारी वजह से आप लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़े।